सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत पुलिस ने वाहन चालकों को गुलाब के फूल देकर यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया। ट्रैफिक थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने कहा कि वाहन चलाते समय लोगों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए ताकि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ट्रैफिक थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक व IG करनाल के दिशा निर्देशन पर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वाहन चालकों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वाहन चालकों को पुष्प भेंट कर यातायात नियमों के पालन करने की अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी है, वहीं कार चलाते समय सीट बेल्ट का पहनना भी बेहद जरूरी है। ऐसे सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहिए। वाहनों की गति पर नियंत्रण रखें और वाहन चलाते समय फोन पर बात न करना, मेकअप करना, बाल संवारना आदि कार्य न करें। वाहनों पर नंबर प्लेट रिफ्लेक्टर अवश्य लगवाएं, साथ ही सदैव यातायात के नियमों का पालन करें। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान कॉलेजों में सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं, जिले के स्कूलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, ताकि बच्चों को भी यातायात के नियमों के बारे में पता चल सके। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान किए जाएंगे। रोड सेफ्टी सप्ताह मनाया जा रहा है, इसमें हम फर्स्ट टाइम डे वाइज करेंगे प्रोग्राम। फर्स्ट हम फूल से उनको वो करते हैं, सम्मानित करेंगे। जो विदाउट हेलमेट जा रहे हैं उनको प्यार से समझाएंगे, विदाउट सीट बेल्ट हैं उनको समझाएंगे कि भाई आप सीट बेल्ट पहना करो, विदाउट हेलमेट ना चले टू व्हीलर्स पे। और अगर उसमें चल रहे हैं ठंड का टाइम है तो रिफ्लेक्टिव प्लेट्स लगाएं, टेप लगाएं पीछे, जिससे कि दूर से रिफ्लेक्ट करे गाड़ी और कोई इंसिडेंट ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो।